हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएन शाह व्लॉग्स पे। और जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज़ जो हमने यूट्यूब की अपनी अर्निंग से फर्स्ट टाइम खरीदी है। तो बेसिकली हम लोग ने खरीद काफ़ी पहले लिया था ये चीज़, बट अभी हम लोग इसको खोल पाए। दिवाली पे हमने खरीदा था, टाइम नहीं मिला हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, बट अब हम लोग को जाके टाइम मिला है। तो अब हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग के साथ करते हैं, क्योंकि ये आप लोग की वजह से ही हो पाया है। इसी के साथ अब मैं आप लोग को थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने हम लोग के चैनल पे दिया है, एंड ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या ऑर्डर किया है। बहुत काम में आने वाली चीज़ है बेसिकली, तो देखते हैं। और उससे पहले अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, वीकेंड है और क्या चल रहा है यहाँ पे हमारे घर पे, क्या हाल है ये देखिए। सैटरडे की इवनिंग या दोपहर क्या बोलेंगे इसको, ये मनाते हुए मस्त कंबल अम्बल ओढ़ के एकदम पड़ी है। यही होता है जब इंसान की तबीयत सही नहीं है तो। तबीयत क्या तुम्हारी, जबरदस्ती तबीयत सही नहीं है? वाह बहुत बढ़िया। तबीयत क्यों सही नहीं है? क्योंकि आज काम वाली नहीं आई है, इसीलिए इनकी तबीयत सही नहीं है, है ना? आज का खाना बन गया है ना तो काकी, और तुमको एक बहाना मिल गया मस्त बाहर से ऑर्डर करने का वापस। तो मेरा तो खाना आ रहा है मस्त। तो आ गया तुम्हारा खाना, वो बेचारे को ऑर्डर गलत दिया है रास्ता, अब वो घूम के आ रहा है। नहीं दिया है तुमने? नहीं, वो जोमेटो वालों ने, स्विगी वालों ने। अपनी बताओ ना, इतना गेम खेल लिया कि सपने में भी गेम आ रहा है। हाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो आजकल हम लोग एक गेम खेल रहे हैं प्ले स्टेशन पे, जो कि है ये लास्ट ऑफ अस पार्ट टू। पार्ट वन तो इसका बहुत ही अल्टीमेट और बहुत पुराना आ चुका है, और हो क्या रहा है कोइंसिडेंटली अभी डिज्नी हॉटस्टार पे इसकी सीरीज भी आ रही है जो कि बहुत अल्टीमेट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो भी देखिए। और साथ में हम खेल रहे हैं ये गेम, तो इतना इमर्सिव हो गया एक्सपीरियंस मेरे लिए तो, कि मेरे को कल सपना आया कि हम हमारे आगरा में हम रह रहे हैं कॉलोनी में, और वहाँ पे मुझे भी सपना आया था। मैं एक बात बताऊँ, मैं ना मतलब देखो इतने सपने आते हैं रात को कि हम कुछ भूल जाते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद कल रात नहीं पर एक दो दिन पहले मुझे भी ऐसे सपना आया था, मतलब अब ये इन्फेक्टेड एंड ये ज़ॉम्बीज जैसी चीजें बहुत आ रही है अभी सपनों में। तो मेरे को भी ऐसे आया था कि वहाँ पे हमारे दूध वाली जो है उनका पति इन्फेक्टेड हो गया और वो अटैक करने आया है। तो मैं इंतजाम कर रहा हूँ कि कहाँ से असला बारूद इकट्ठा किया जाए, गोला बारूद किया जाए और फिर अटैक किया जाए उनपे। बहरहाल ये सब तो चलता रहेगा, अभी हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे इस ब्लॉग के, जो कि है गिफ्ट जो हमने खरीदा है। जो हमने खरीदा बताया, मैंने बताया कि जो हमने खरीदा दिवाली पे था और अनबॉक्सिंग अब कर पा रहे हैं, और कमाई हमारी पहली एक्युमुलेट हो गई थी वो अर्निंग, तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डिले हो गया। तो अब चलो जल्दी से चलते हैं अनबॉक्सिंग पे। हमने लिया है ये DJI पॉकेट 2 क्रिएटर्स कॉम्बो। ये बेसिकली एक व्लॉगिंग कैमरा है, व्लॉगिंग आप इस पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर एक मैकेनिकल गिम्बल भी है, तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत ही अल्टीमेट रहने वाली है। सिंस ये क्रिएटर कॉम्बो है तो इसमें कैमरे के साथ आप देख सकते हो और भी कुछ एड ऑन्स एक्स्ट्रा आते हैं। तो अगर आप बॉक्स पे देखोगे तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि कैमरा है इसमें, साथ में एक केस आता है, एक छोटा सा ट्राईपॉड है। ये बहुत यूटिलिटी वाली चीज़ है, आपको कहीं पर भी इसको प्लेस करना है तो ये बहुत हैंडी है, बहुत काम में आता है। और एक इसके साथ आता है मिनी कंट्रोलर स्टिक जो इस पर अटैच हो जाती है, और फिर आप आराम से उसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये ट्राईपॉड माउंट आता है, USB केबल आती है, ये वाइड एंगल लेंस भी आता है जो कि आपको अराउंड 110 डिग्री एंगल प्रोवाइड करता है। और इसके साथ दो अटैचमेंट्स आते हैं, एक एंड्रॉयड कनेक्टर है और एक अपना आईफोन कनेक्टर। और इसके साथ इस कॉम्बो पैक में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू इट ऑल हैंडल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके इस कैमरा को आपके फ़ोन से कनेक्ट करता है थ्रू ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से कनेक्टिविटी देता है। साथ में इसमें आपको मिलता है एक और बहुत अच्छी चीज़ जो कि है वायरलेस माइक्रोफोन। ये बहुत ही यूटिलिटी वाली चीज़ है, बहुत काम में आती है। और इसके साथ इसका एक विंडस्क्रीन भी आती है ताकि आपकी आवाज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, भले ही आप आउटडोर में भी रिकॉर्ड क्यों ना कर रहे हो। तो ऐसा कुछ पूरा प्रोडक्ट है, तो अब चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और आगे चलने से पहले इनकेस अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना हो तो इसका लिंक अमेज़ॉन का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इनकेस यू आर इनटू व्लॉगिंग या फिर आपको अपने पर्सनल यूसेज के लिए भी चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब जल्दी से खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट कैमरा विथ केस, इसको पहले साइड में रखते हैं। और क्रिएटर्स कॉम्बो में आप ये जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है ये आपको आती है, तो इसमें ये है, ये हो गया आपका ट्राईपॉड माउंट, ये हो गया आपका वायरलेस माइक्रोफोन क्लिप के साथ, ये हो गया डू इट ऑल हैंडल किट, और ये हो गया माउंट। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको और मिलती हैं,
पूरा ये भरा हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर निकली हैं। तो अब मेन चीज़ को हम अनबॉक्स करते हैं, जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ऐसा कुछ इसका केस है, DJI की ब्रांडिंग है, और इसके अंदर ये हमारा कैमरा। तो इसको निकालते हैं। ओके, सो इसको रखते हैं यहाँ पे साइड में। यस, तो अभी ऐसा कुछ दिखता है ये, मल्टीपल प्लेसेस पे माइक है इसके। बिना आपको, अगर आपके पास ये माइक्रोफोन वाला आप नहीं लेते हो, सिंपल कैमरा सेटअप लेते हो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी है। अलग अलग जगह पे माइक्स प्रोवाइडेड है, यहाँ पे ऑल फोर डायरेक्शन आई गेस। और ये इसका गिम्बल है, यहाँ ऊपर कैमरा है, ये एक छोटी सी स्क्रीन है, ये अभी मैं ऑन करूँगा तब दिखेगा, ये रिकॉर्डिंग और पावर बटन। तो चलिए इसको जल्दी से ऑन कर लेते हैं। और इस डिवाइस को लेने का पर्पस ये भी है कि ये कितना हैंडी, आप ये देखिए, जस्ट मेरे हाथ में पूरा ये डिवाइस आ गया है, और इसको मैं आराम से जेब में रख के भी ले जा सकता हूँ कहीं पे भी। मुझे कहीं अलग से इसका बैग कैरी नहीं करना है, इस केस में रखा और जेब में डाल के ले गया। तो इट इज़, और बहुत ही लाइट वेट है, तो ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ईजी टू कैरी है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। और ये यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो जगह, दिस इज़ वेयर कि आपके ये सारे कनेक्टर्स अटैच होते हैं, जैसे ये जॉयस्टिक है। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए अभी ये ऑन हो चुका है, और कितनी जल्दी इजी टू यूज़ है, तुरंत ऑन हो गया। और आप ये देखिए, मैं कैमरा नीचे से रोटेट कर रहा हूँ, बट उसका जो फोकस है कैमरे का, दैट इज़ स्टिल, बिल्कुल भी शेकीनेस नहीं है। वीडियो में आप देखोगे स्क्रीन पे, तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ये देखिए, ये फ्लिप करना है तो फ्लिप हो गया। सो ऐसा कुछ डिवाइस रहने वाला है। और यहाँ पे ये, यहाँ पे हमको एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज़ करना पड़ता है, इंटरनल मेमोरी इसमें नहीं आती है। सो ये कुछ ऐसा डिवाइस है, इसको बंद करते हैं। तो ये देखिए वापस से अपने पुराने स्टार्टिंग वाले फॉर्म में आ जाता है, ताकि आप इसको आराम से इस केस में रख सकें ऐसे, लाइक दिस। ये बहुत अच्छे प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये सारी चीज़ें आपको इस क्रिएटर कॉम्बो बॉक्स में मिलते हैं। इसका नॉर्मल भी आता है कैमरा सेटअप आइटम, तो इनकेस अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वरना ये सारा भी ले सकते हैं। आई पर्सनली रिकमेंड क्रिएटर्स कॉम्बो लें अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करनी है, या इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो यूटिलिटी वाइज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आपका ईज कर देंगी एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग का। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस अनबॉक्सिंग। सो अनबॉक्सिंग कर लिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, आई हाईली रिकमेंड इट। जिसको व्लॉग करना है या वीडियोस रिकॉर्डिंग का शौक है, सिनेमेटोग्राफिक शॉट्स लेने अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग कैमरा है। ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऑफर में 37-38K के करीब पड़ गया था। वो जो सिंपल कैमरा सेटअप आता है बेसिक कनेक्टर्स के साथ, वो अराउंड 29-30 के करीब पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अब हो चुकी है दोपहर हो गई है, तो अब मैडम जी तो सो गई हैं जाके, कमरे से बाहर ही नहीं आ रही, आवाज़ भी नहीं आ रही है। मैं भी जाता हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, वीकेंड है तो थोड़ा सा तो बनता है। और अगला व्लॉग मैं आपको बता देता हूँ कि अगला व्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, उसमें एक और नया सरप्राइज़ आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।